हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे। ये होली की बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और ये हमारी सोसाइटी का ग्राउंड है जहाँ होली खेली जाती है, सारे लोग इकट्ठे थे, डीजे वगैरह लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया है। यहाँ की ये मेरी फर्स्ट होली थी, बहुत ही अच्छे से होली मनाई जा रही है यहाँ पे, और हर साल मैंने सुना है यहाँ पे ऐसे ही होली मनाई जाती है। होली खेल के वापस जा रही थी, इससे पहले अंश ने बहुत ज़्यादा होली खेली थी, बहुत ज़्यादा, उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, तो बस मैं अब घर जा रही हूँ वापस। और मैंने होली बहुत ज़्यादा नहीं खेली थी, थोड़ा कलर अंश के पापा ने लगाया था और एक दो लेडीज़ ने लगाया था बस, वो भी सूखे वाला गुलाल लगाया था, मैंने पानी वाली होली नहीं खेली थी। इन बच्चों को देखिए कैसे रंगे हुए हैं पूरे के पूरे। ये मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं किसी के यहाँ होली मिलने। लिपस्टिक जो आपको ये पसंद आए तो मैं आपको दे दूंगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से, और ये चुन्नी है ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, कुर्ता मैंने लोकल शॉप से लिया था। तो जा रहे हैं हम किसी के यहाँ, इनवाइटेड है होली पे, मैं, अंश के पापा और अंश। तो आप बताइए कैसी लग रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा हल्का सा मेकअप किया है मैंने, और मैंने आज कई दिनों के बाद नेल पेंट लगाई है, ये देखिए। अच्छा हाँ, अंगूठी नहीं पहनी, मैं अंगूठी पहन लेती हूँ फिर चलती हूँ। लाइट भी नहीं ऑन थी, मैं वॉक कर रही हूँ नीचे, तो अंश के पापा अंश से उसकी साइकिल क्लीन करवा रहे थे, और वेदर क्लाउडी हो गया था इसलिए लाइट आने के बाद भी ये धुंधला धुंधला आ रहा है। अब हम दोनों निकल चुके हैं, अंश जा रहा है अपनी साइकिल से और मैं और अंश के पापा बाइक से जा रहे हैं। हम पास में गए थे, कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो अंश अपनी साइकिल से गया था और मैं और अंश के पापा बाइक से गए थे। तो मैं बाइक पर बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, तो साथ साथ में था अंश, साथ में था हमारे साथ साथ ही चल रहा था। डांस करके दिखाओ ना, क्यों हम गए थे यहाँ पे, घर का थोड़ा सा व्यू है, ये है उनका क्यूट सा बेटा, बहुत ही क्यूट था। तो मैं इसे बात कर रही थी, इसे चोट लग गई थी, फिर इसे उसकी मम्मी खाना बनाती थी, मैं इसे बात कर रही थी।